जो शहर के अंदर एक जो माहौल बना हुआ है, आरटीआई के ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई है कि कई वोटर्स को जो है डिलीट किया गया है, उसी ज़िमन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए कॉरपोरेशन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डीसी के थ्रू हमने जो इन्हें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन किया और फेयर एंड क्लियर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने उनसे डिमांड की है। उसी ज़िमन में हमने शहर में गुलबर्गा शहर के अंदर हमने वोटर्स के जो डिलीट हुए हैं, हमने आवाम से अपील की थी कि आवाम आकर के यहाँ पे चेक करें ताकि उनका अगर डिलीट हुआ है तो नेक्स्ट कार्रवाई किया जा सके। तो हमने जाते जाते इस चीज़ को जायज़ा लेने के लिए हमने अपने ऑफिस को पहुँचा तो लोगों की आवाम की आमद और ज़्यादा हो गई। मैं बिलखसूस अवामुन्नास से और ख़ास करके नौजवान पीढ़ी से गुजारिश करता हूँ कि वो वॉलंटियरली आए हमारे सेंटर्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें अपील कर रहे हैं कि मोहल्ला वार्ड वाइज जो है इसको तरतीब दिया जाए ताकि आवाम को आसानी हो। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि वो आए सीखें और मज़ीद जिस तरह से काम करने का जो तरीक़ेकार है, क्योंकि नौजवान पीढ़ी किसी भी मुल्क की जो है ना रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर ये रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर हो जाती है तो मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश होते हैं। तो मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि वॉलंटियरली आए, हर मोहल्ले के अंदर इस तरह के सेंटर्स लगाएं और आवाम को फैसिलिटेट करें और उनके वोटर्स जो डिलीट हुए हैं उनको सही रहनुमाई कर सके और उनका फिर दोबारा से दर्ज करवा सके, इंदराज किया जा सके। जमहूरियत के अंदर वोट की बड़ी अहमियत होती है और वोट ना डालने की वजह से, वोट का गलत इस्तेमाल होने की वजह से आज हम बहुत सारे चैलेंजेस को आज फेस कर रहे हैं। इन चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए आपका संजीदा होना और आपके वोट देने के ताल्लुक से संजीदा होना और आपके वोट की बका के लिए संजीदा होना, ये बहुत ही मानाकायज़ होता है। तो मैं अवामुन्नास से, गुलबर्गा की अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि वो आए अपने वोट्स को चेक करें और उसको दोबारा इंदराज करने की ज़रूरत पड़ी तो किया जाए, और हमने डिमांड की हुई जो है वो हम उसको फॉलोअप करेंगे। मुमकिन है वो अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर डायरेक्शन में सही सिमत में अगर हो रही है तो हम उनका वेलकम करेंगे, अदरवाइज़ हम उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई चाराजुई होनी चाहिए उसके लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं। वोटर आईडी कैंप कैट कैंप जो हम लोग यहाँ पर रखे हैं 3 तारीख तक यहाँ पर हेड ऑफिस पर रखे हैं इंशाल्लाह, उसके बाद हर वार्ड और हर मोहल्ले में भी हम लोग ये कैंप्स लेकर जाएंगे। और लोगों से हम ये अपील करते हैं जो नए जो यूथ हैं जो नौजवान हैं जो वॉलंटियरली वोटर आईडी कार्ड के वास्ते काम करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि ज़रूर वो एसडीपी ऑफिस को आएँ, वेबसाइट पे आकर किस तरीके से अप्लाई कैसा करना है वोटर आईडी कार्ड और वोटर आईडी कार्ड कैसे चेक करना है वो भी यहाँ पर आकर सीखें, ताकि अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने घरों के अपने अपने फैमिलीज़ के वोटर आईडी कार्ड्स चेक करें और उसके साथ साथ वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई करना वो भी यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो वोटर आईडी कार्ड का मसला है सिर्फ एक या दो लोगों का नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर, इस रियासत के अंदर और इस शहर के अंदर जितने भी बसने वाले 18 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं और उसके बाद जितने भी उम्र के लोग हैं, उन तमाम लोगों को वोटर आईडी कार्ड बहुत ज़रूरी है। तो वोटर आईडी कार्ड एक हमारे हुकूक के लिए, हुकूक को जानने के लिए, हुकूक को हासिल करने के लिए वोटर आईडी कार्ड बहुत कीमती है। इसके लिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर वोटर आईडी कार्ड आप अप्लाई करें, अपना वोटर आईडी कार्ड चेक करें और साथ ही साथ हमारे पास आकर कैसे बनवाना, कैसे इसको चेक करना वो भी आप आकर सीख सकते हैं। एसडीपी गुलबर्गा का जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है तकरीबन 8 सालों से लोगों के खिदमात अंजाम दे रहा है। उस वक्त से जब डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब, मरहूम कमरुल इस्लाम साहब MLA थे, मिनिस्टर थे, उस वक्त भी उनके ऑफिस मौजूद नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई के ऑफिस आज भी मौजूद है। आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी कॉरपोरेटर्स इलेक्टेड ये मेंबर्स हैं, उन लोगों के ऑफिसेस मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर मसाइल को लेकर कोई नहीं जाता, लेकिन एसडीपीआई ऑफिस को लगातार रोज़ डेली लोग यहाँ पर आते हैं। 3000 से ज़्यादा गरीब बच्चों का हम RTE में एडमिशन करवाए हैं, उसके बाद हज़ारों की तादाद में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम स्कॉलरशिप्स लोगों के करवाए हैं। कैंसर्स का ऑपरेशंस हो या BPL कार्ड्स हो या फिर बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होते हैं जो अवामुन्नास के दरमियान में जाकर देने होते हैं, बेवाओं के वजीफे होते हैं और हैंडीकैप के वजीफे होते हैं, ये तमाम चीज़ों पे SDPI लगातार काम करते हुए आ रही है। तो आज भी हमारी ऑफिस खुली है, इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन से पहले भी। तो आवाम से गुजारिश है कि आप हमारे से खिदमात हासिल कर सकते हैं। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जो हेड ऑफिस है नेशनल कॉलेज के अपोजिट में, वोटर आईडी कार्ड का जो चेकिंग है और न्यू एनरोलमेंट कार्ड है वो चालू हुआ है।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आवाम से आ रहा है। आवाम से गुजारिश है कि हम जो ये सर्विस सेंटर खोले हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाए। अगर यहाँ पे आपको आने में तकलीफ़ हो रही है तो आप ख़ुद अपने मोबाइल से आपका वोटर आईडी चेक करना है। ख़ासकर गुलबर्गा नॉर्थ और गुलबर्गा साउथ से सभी से गुजारिश है कि आपका वोटर आईडी चालू है नहीं है उसको चेक करना है। हमारा जो NVSP जो वेबसाइट है सर्च इंजन में, बहुत ही आसानी के तरीके से आप अपना वोटर आईडी कार्ड का आईडी डालेंगे तो आपका वोटर आईडी कार्ड है, एग्जिस्ट है क्या, डिलीट हुआ है, आसानी से मालूम होता है। अगर है अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत अच्छी बात है, अगर डिलीट हुआ है तो उसको वापस ऐड आराम से करा सकते हैं। SDPI के हेड ऑफिस में आप डॉक्यूमेंट्स लेकर कर इसको आसानी से आपका एनरोलमेंट करा सकते हैं। हमारी लापरवाही के वजह से जब एक साल के बाद जब इलेक्शन आता है जब हम सीरियस लेते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि हम वोटर को लेकर कब सीरियस होते हैं, इलेक्शन के दिन सीरियस होते हैं। अब अच्छा मौका है, अभी भी अगर वोटर किसी के डिलीट हुए हैं तो आप आसानी से वापस उसको ऐड करा सकते हैं। और मैं खासकर जो 18 साल के जो लड़के लड़कियां जो बालिग हो चुके हैं, वोटर आईडी कार्ड एलिजिबल हो चुके हैं बनाने के, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आपका वोटर आईडी एनरोलमेंट बनाइए। बहुत ही आसान है वोटर आईडी एनरोलमेंट बनाना, तो आप SDPI से रابطہ करेंगे तो आसानी से आपका वोटर आईडी कार्ड हम बना के देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुलबर्गा टाइम्स। फॉर डेली अपडेट सब्सक्राइब अवर चैनल।